अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए सिजवान सॉस लेकर आई हूँ। कल जैसा कि मैंने आपको कल सिजवान चिली बीफ सिखाया था, तो आज ये सिजवान सॉस सिखाऊंगी। तो इसके लिए आज आप ये अज्जा नोट कर लीजिए। ये एक वन ऑनियन स्मॉल, इसको चॉप कर लिया। ये जिंजर पेस्ट है, इसका एक या दो टुकड़े इसको पीस लें। और ये 8 to 10 गार्लिक क्लोव्स हैं, इसको इसको मोटा मोटा इसको पीस लिया है इसको। और ये चिलीज हैं, इसे चिलीज को मैंने जो रेड चिलीज हैं ये इनको पहले उबाल के मैंने फिर इनको पीस लिया था। ये मैंने कोई 10 to 15 रेड चिलीज ली थी, और इसमें मैंने वो तलहार मिर्चें जिसे आप पेपरिका और कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च भी कहते हैं, इसके कलर अच्छा करने के लिए इसलिए 8 अदर जो हैं वो मिर्चें मैंने शामिल करके ये पेस्ट सा बना लिया है। इसको पहले बॉईल किया था और फिर अब पेस्ट सा बना लिया है। तो ये हैं, और साथ ये सोया सॉस है, 2 टीस्पून इसमें जाएगा। और ये शुगर है पिसी हुई 1 टीस्पून, थोड़ी सी लाल मिर्चें हम 1 टीस्पून डालेंगे इसमें। कुछ ये कुटी काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, ये हम ये जाएगी इसमें। और सॉल्ट है 1 टीस्पून, ये जाएगा। तो आइए अब शुरू कर। और ऑयल जो है ये मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल इसमें आप 3 to 4 टेबल स्पून ले सकते हैं, वो ले लें। चलें आइए अब शुरू करते हैं। अच्छा, ये चूल्हा पैन रखा है चूल्हे पे, और ऑयल डालें इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। अब ये गर्म हो रहा है, जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर इसमें हम प्याज डाल के सौते करेंगे। आँच बेशक आप थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज ऑनियन डाल के सौते करेंगे। ऑनियन हमने 1 चॉप ली थी। ये ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें ऑनियन शामिल कर रहे हैं। ऑनियन शामिल करके फिर हम इसको ये कुछ देर इसको कुक करेंगे ऑयल में। ऑनियन ऑनियन जैसे ही इसमें थोड़ी सी अपना रंग चेंज होता है, हल्का सा ही पकाना है इसको। तो फिर हम इसमें गार्लिक और जिंजर दोनों हम डाल के थोड़ा से इसको भी कुक करेंगे। ये देखें ये कुक हो रहा है। ये अब हम इसमें गार्लिक शामिल कर देते हैं, कुछ देर इसको भी पकाएंगे। ये गार्लिक हमने शामिल कर दी। ये गार्लिक इसमें हो रही है कुक। जैतून के तेल की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। आप चाहें तो आम ये दूसरा तेल, वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं दूसरा। मुझे जैतून का तेल अच्छा लगता है, मैं इसी में ही ज़्यादा वो बनाती हूँ। अब ये हम अदरक इसमें डालेंगे, अदरक डाल के भी पकाएंगे इसमें। और फिर हम इसके साथ ही हम जो लाल मिर्च रेड जो लाल मिर्चों का जो पेस्ट है वो फिर हम शामिल करके इसमें पकाएंगे।
रखे हैं होंगे। अब हम इसमें हम लाल मिर्चें जो हैं जो पेस्ट है वो हम शामिल कर देंगे। ये अब सारा जो पेस्ट है इसमें हम डाल देंगे। इसको पकाना है, तेज आंच ही रखनी है। आपको बताना भूल गई थी, इसमें ये हाफ कप सिरका भी है, सिरका भी इसमें डलेगा। थोड़ा सा ये पकेंगी, थोड़ी सी कुक होंगी, जब ये साइडों से घी छोड़ दें तो फिर हम इसमें और बाकी जो अज्जा हैं वो शामिल करेंगे। चाहे तो थोड़ा वैसे ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। लेकिन वो बॉईल करके पीसते वक्त काफ़ी पानी मैंने इसमें 2-3 टेबल स्पून से भी ज़्यादा 4 टेबल स्पून पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया था। इसे पीसी है तो इसलिए अभी मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रही हूँ, ये इसी में कुक हो जाएगा। अब इसमें जितने भी अज्जा हैं, ये चीनी, ब्लैक पेपर, शुगर, ब्लैक पेपर, रेड पेपर पाउडर, और ये आप शामिल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा वो स्पाइसी सा पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ी रेड ये पिसी लाल मिर्च डाल दी है। तो आपके हो ना तो आप बेशक इसमें शामिल ना करें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे पसंद है थोड़ा सा स्पाइसी तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून शामिल की है। साथ साथ ये स्पैचुला हिलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। वैसे अब ये देखते हैं, थोड़ी सी हमारी हो गई है। साइडों से ये देखें इसमें ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें ये अभी मैंने इसमें सोया सॉस 1 टीस्पून सोया सॉस भी डाला, शामिल किया है। अब सिरका डालेंगे, ये हाफ कप सिरका था जो मैंने अभी इसमें शामिल कर दिया, ऐड किया। तो इसको कुछ देर हम और पकाएंगे और फिर ये तैयार है। तो मैं सिजवान सॉस फिर तैयार है। और फिर आप इसे एयर टाइट जाल में, जब ये सॉस ठंडी हो जाए तो फिर एयर टाइट जाल में, जार में, ये काफ़ी महीनों तक सेव हो सकती है। फिर एयर टाइट जार में आप इसे फ्रिज में सेव कर लें। ये लीजिए हमारी सिजवान सॉस अब बिल्कुल तैयार है। चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पिंच रेड कलर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसका ये
तलहार मिर्चें जो हैं या पेपरिका वो डालने से काफ़ी अच्छा कलर इसमें आ गया है, तो इसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हम इसका चूल्हा ये फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब ये बिल्कुल सॉस तैयार है और अब हम इसे ये ठंडा करके और एयर टाइट जार में सर्व करेंगे और फ्रिज में रखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अपना लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, बाय।